नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो ये जो विधि है मित्रों, ये विधि आपको रात्रि में करनी है। और रात्रि में कब करनी है? जब आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी प्रेमिका जो भी है वो सो जाए उसके बाद। और मैं बता देता हूँ, ये जो विधि है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। जी हाँ, सिर्फ महिलाएं ये विधि कर सकती है, पुरुषों के लिए ये विधि नहीं है। और महिला भी वो कर सकती है जो अपने पार्टनर के साथ रहती है, यानी पत्नियां कर सकती हैं और वो गर्लफ्रेंड्स कर सकती है जो अपने पार्टनर के साथ रहती हैं। जो जिनके पार्टनर दूर है, जिनका जीवन साथी दूर है, वो ये विधि नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ महिला ये विधि कर सकती है और रात्रि के समय में जब आपका पार्टनर सो जाए उसके बाद कर सकती है। किसी भी दिन कोई भी वार हो, कोई भी पक्ष हो, कोई पाबंदी नहीं है। पर ध्यान रखिए कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। और अगर आप कठिन दिनों में हैं तो विधि को ना करें। ये दो सावधानी के साथ आप ये विधि करेंगे। ध्यान रखेंगे इन दो सावधानियों का कि ये दोनों में से कोई भी ना हो, तब आप ये विधि करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ मित्रों विधि की सामग्री की। तो विधि की सामग्री के रूप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हरी इलायची लेनी है। जी हाँ, सिर्फ हरी इलायची के साथ आप ये विधि कर सकते हैं। मात्र एक हरी इलायची लेनी है और उसके साथ आपको ये विधि करनी है। अब मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले जब आपका पार्टनर, आपका साथी सो जाए उसके बाद आपको करना ये है कि उस हरी इलायची को सीधे हाथ में लेना, जिसको आप यूज़ करने वाले, जिसको आप इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर मुट्ठी बंद कर लेनी है और फिर सीधा अपने पार्टनर के सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है, अपने प्रेमी के सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है। मान लीजिए कोई विवाहित स्त्री अपने पति के ऊपर कर रही है तो वो अपने पति के सर के ऊपर से 11 बार घुमाएगी और हर बार घुमाने के बाद ये बोलेगी वश्यम कुरु, वश्यम कुरु, वश्यम कुरु, ये बोलना है, वश्यम कुरु ये बोलना है। और 11 बार घुमाना और 11 बार ही ये बोलना है साथ में ही। जब ये कर ले उसके बाद मुट्ठी को तो बंद रखेंगी, मुट्ठी को बंद रखना है, मुट्ठी को खोलना नहीं है। फिर एकांत में बैठ जाएंगे, एकांत में, फिर आपको एकांत में बैठ जाना आसन लगाकर और फिर सामने वाले का अंतर ध्यान करना है। अंतर ध्यान का मतलब मित्रों होता है त्राटक, और त्राटक का मतलब होता है सामने वाले की तस्वीर को अच्छी तरीके से देखना, सामने वाले की तस्वीर को मन में अच्छी तरीके से स्थापित कर लेना होता है त्राटक। ये आपको करना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक। मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं बोलना, कोई शब्द नहीं बोलना, आपको सिर्फ आंखें बंद रखनी है और इसको मुट्ठी को बंद रखना है और अच्छी तरीके से त्राटक करेंगे। जब आपका त्राटक पूरा हो जाए, यानी कि सामने वाले की छवि आपको पूरी तरीके से दिखने लग जाए अच्छी तरीके से, 10 से 15 मिनट लगभग आपको करना आँख बंद करके, उसके बाद आप अपनी मुट्ठी खोल लेंगे। उसके बाद आप अपनी मुट्ठी खोल कर इस इलायची को अपने सरहाने के नीचे रखेंगे और फिर सो जाएंगे। ये आपको रात्रि में करना है पहले दिन की, इतना ही करना है, मंत्र नहीं बोलना। अब आएगा दूसरे दिन की सुबह का कार्य। दूसरे दिन की सुबह आपको मित्रों क्या करना है कि जब आप उठे, दूसरे दिन की सुबह जब आप उठे उसके बाद इस इलायची को कोई साफ सुथरी जगह पर रख दीजिएगा। उसके बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है, इसे किसी ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर कोई इसे छेड़े ना, कोई देखे ना और कोई इस्तेमाल ना कर दे किसी भी चीज़ में। फिर आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, जब आपने स्नान आदि कर लिया हो, उसके बाद एक आसन बिठा कर बैठेंगे। उस आसन पर आप बैठकर
एक हाथ में बैठकर उस आसन के ऊपर इसको सीधे हाथ में ले लेंगे। सीधे हाथ में लेने के बाद सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे। फिर उस एक मंत्र का जाप करना है, उस इलायची को लेकर सीधे हाथ में एक मंत्र का जाप करना है जो मैं बोल देता हूँ। मित्रों, रात को जो कार्य आपने किया था, रात भर में तंत्र विद्या ने अपना काम शुरू कर दिया होगा। आपके लिए जो आप उपाय कर रहे हैं उसकी शक्ति बनना शुरू हो गई थी, पर शक्ति ताकतवर तब बनती है जब हम उसे अभिमंत्रित करते हैं, उस सामग्री को जिसका हम उपाय कर रहे हैं। यानी कि इस इलायची की बात करो मित्रों, में ये इलायची जब तक हम अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक अपना काम अपने अंजाम पर नहीं पहुंचेगा। तो सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके आपको मंत्र बोलना है। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, हे आदिशक्ति सर्ववश्यम करम सफल करूँ। बस इतना ही बोलना है आपको। 251 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। इतना ऐसा ही मंत्र है, किसी का नाम ले लेना, अंतर ध्यान नहीं करना, आपको आंखें बंद करनी है। सिर्फ मन में अगर छवि आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप, आपको कोशिश नहीं करनी, आपको सिर्फ मन में यह मंत्र का जाप करना है और उच्चारण के साथ करना है। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ, मंत्र सुनेगा आप। हे आदिशक्ति सर्ववश्यम करम सफल करो। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 251 बार जाप करने के बाद इस इलायची को तुरंत आप अपने घर के तुलसी के पौधे में, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आसपास मंदिर में आपको अवश्य मिल जाएगा, तो तुरंत जाएंगे आप तुलसी के पौधे में जाकर इसको दफना देंगे। तुलसी के पौधे की जड़ों में आप दफना देंगे और उसमें से एक तुलसी का पत्ता तोड़कर आप ग्रहण कर लेंगे तुरंत ही। ये आपको करना है, उसमें से एक तुलसी का पत्ता आप तोड़ेंगे और ग्रहण कर लेंगे मित्रों। और तुलसी के पत्ते को मित्रों आगे वाले दांतों से चबाइएगा, पिछले वाली झाड़ से तुलसी का पत्ता कभी नहीं चबाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखकर आप ये करेंगे। तुरंत आप मंत्र बोलने के बाद इसको लेकर जाएंगे अपने घर में, तो बहुत ही अच्छी बात है मित्रों। अगर आपके घर में माताएं बहनें, ध्यान से सुनेगा, अगर आपके घर में है तो बेहद ही अच्छी बात है। आप उसको जाकर वहां पर दफनाएंगे और फिर तुलसी का पत्ता तोड़कर ग्रहण कर लेंगे। ये आपको करना, और फिर तुलसी के पत्ते के आगे हाथ जोड़कर आपको यही मनोकामना मांगनी है कि जिसका भी आवश्यकरण करें, यानी अपने पति का या अपने प्रेमी का, वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाए। ये आपको करके आप दूसरे दिन अपने काम में लग जाएंगे। दूसरे दिन की रात्रि नई इलायची लेंगे, 11 बार सर के ऊपर से घुमाएंगे, उसके बाद सीधे हाथ में लेकर अंतर ध्यान करेंगे, फिर सरहाने के नीचे रखकर सो जाएंगे। तीसरे दिन की सुबह उठकर अभिमंत्रित करेंगे और उसके बाद तुलसी के पौधे में दफना देंगे और वहां से एक और पत्ता तोड़कर आप ग्रहण कर लेंगे। यह आपको दूसरी बार करना है। तीसरी बार भी यही कार्य आपको दोहराना है। कुल 3 बार यह कार्य आपको करना है। इस 3 बार के कार्य में, यानी चौथे दिन की सुबह जब आप ये कार्य कर लेंगे, उसके बाद आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। और जिसका भी आवश्यकरण कर रहे हैं, माताएं बहनें जिनका भी आवश्यकरण कर रही होंगी, वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। पति से अगर अनबन है तो वो बात मानने लग जाएगा। प्रेमी अगर ढंग से बातचीत नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है, तो वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएगा। किसी भी हालत में आपको धोखा नहीं मिलेगा, सामने वाला पूरी तरीके से आपकी तरफ हो जाएगा। पर आपको ध्यान से करना है, बिना गलती किए करना है और अच्छी नीयत से करना है। अगर आपके बीच में सब कुछ सही है और बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको ये विधि करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके बीच में बहुत कुछ खराब हो रखा है और आप नहीं संभाल पा रहे कोई भी समस्या को, तो आप ये विधि कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, किसी भी कारणवश आप नहीं कर पा रहे, घर में होने के कारण या किसी की रोक टोक के कारण, तो मित्रों आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आप अगर संपर्क करेंगे तो आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी आपको समस्या होगा, वो समाधान उसका हम करेंगे, उसका हल हमारे पास होगा। आप अगर खुद काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे यहाँ आप काम करवा सकती हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, बिना कोई गलती किए करना है, साफ सुथरी नीयत से करना है, अच्छी तरीके से करना है, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं।
इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।